हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? और प्यारे दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, एक बात है कि आज 31 मई 2020 हो गया है, कल से जून होने वाला है। करंट अफेयर का वीडियो आज लेट हो गया, आप लोगों ने किया है लेट, क्योंकि देखिए आप लोग जितने लोग जितनी जल्दी सारे लोग मिलकर वीडियो को देख लेंगे और जब मुझे संतुष्टि हो जाएगी कि आप लोगों ने पढ़ लिया तो मैं फ़ौरन वीडियो अपलोड कर लेती हूँ। अगर मुझे इस बात का सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि आप लोगों ने अभी तक पढ़ा ही नहीं है तो विदाउट सेटिस्फेक्शन मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं आपके लिए वीडियो भेजूं। मैं तभी भेजती हूं जब आप लोग उससे बेनिफिट ले लेते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर ज़रूर बेनिफिट लिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट वीडियो को लास्ट तक सुना करें। और आपको मैं गारंटी देती हूं कि आपका कोई क्वेश्चन करंट अफेयर का नहीं, एक भी नहीं छूटेगा। बस आपको मुझे लास्ट तक ध्यान से सुनना है। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं 31 मई 2020 का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में योगेश गॉड का निधन हो गया, ये कौन थे? योगेश गॉड ये एक प्रतिष्ठित सिंगर थे, बहुत फेमस और रेपुटेड सिंगर थे योगेश गॉड। योगेश गॉड ने राजेश खन्ना की फिल्मों में अधिकतर गाने गाए हैं और जैसे कई गाने गाए हैं उन्होंने। राजेश खन्ना बहुत फेमस एक्टर थे, उनकी भी डेथ हो गई है, उससे तो काफ़ी पहले हो गई, और उनकी कई फिल्मों में योगेश गॉड ने गाने गाए हैं। एक बहुत फेमस गाना है, आप लोगों ने सुना होगा, एक गाना है राजेश खन्ना का, कहीं दूर जब दिन ढले जाए, सुना है ना? तो कहीं दूर जब दिन ढल जाए, है ना, ये गाना किसने गाया है? ये योगेश गॉड ने ही गाया है, फेमस है इसलिए बता दिया, वरना कई गाने गाए हैं, ठीक है, ये याद रखना होगा। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में लंबी दूरी वाली धाविका किरणजीत पर वाडा ने कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? वाडा एक होती है एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा, एक होती है वाडा, जो नेशनल है वो होती है नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, एक वर्ल्ड की होती है वो कौन सी है? वाडा, WADA। तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने क्यों लगाया है? तो ये किरण लंबी दूरी वाली धाविका किरणजीत पर बैन क्यों लगाया गया है? तो इनको बैन करने का कारण ये था कि दो बार ये लगातार टेस्टिंग में फेल हो गई, दो बार ये टेस्टिंग में फेल हो गई, लगातार 2 times फेल हुई टेस्टिंग में, और इसी के चलते वाडा ने किरणजीत को प्रतिबंधित कर दिया। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। तो लंबी दूरी वाली धाविका किरणजीत अब 4 साल तक प्रतिबंधित रहेंगी, ऐसा वाडा ने बैन किया है। वाडा की बात है जी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जैसे अभी बताया, और 1999 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ, यानी स्थापना हुई, और कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है, तो इतना आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लाख को किस राज्य ने कृषि का दर्जा दिया है? हाल ही में लाख का सुना होगा, लाख की चीज़ें हैं, लाख है ना, तो लाख को किस राज्य ने कृषि का दर्जा दिया है? हाल ही में लाख को अभी किस राज्य ने कृषि का दर्जा दिया है? सुना होगा लाख की मिट्टी, लाख की, ये तो लाख का है ना, तो ऐसा चूड़ियाँ, कड़े और बहुत सारी चीज़ें लाख से बनती हैं, तो लाख को किस राज्य ने कृषि का दर्जा दिया है? अभी छत्तीसगढ़ ने लाख की खेती को, लाख को मतलब लाख को कृषि का दर्जा दिया है। अभी लाख जो मतलब पैदा होगा, ये कृषि एग्रीकल्चर का उसे मतलब एग्रीकल्चर स्टैंडर्ड मिल गया। कैसे? देखिए, होता क्या है, ये कीड़ों से प्राप्त किया जाता है। लाख क्या होता है? कीड़ों से प्राप्त किया जाता है। आपने सुना होगा रेशम कैसे बनता है,
पेड़ पे कीड़े छोड़े जाते हैं, उन्हें पाला जाता है, वो अपने बॉडी से एक अपना उनका थूक जैसा होता है, एक बॉडी से लिक्विड निकालते हैं जिससे वो रेशम बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। सेम वैसे ही होता है लाख में। तो ये लाख को क्या होता है, इसमें भी कीड़ों को पाला जाता है, और जब वो कीड़े अपने अंदर से लिक्विड निकालते हैं, उनको पेड़ पे रखा जाता है, पेड़ पे छोड़ देते हैं, और जब वो लिक्विड निकालते हैं अपने अंदर से, तो वो लिक्विड सूख कर इतना ठोस हो जाता है कि वो लाख, जैसे लाख से बहुत सारी चीज़ें सजावट की, चूड़ियाँ, कड़े, बैंगल्स वेंगल्स और ना जाने क्या क्या बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं लाख से। तो उसको क्या कहते हैं हम, वर्मीकल्चर। क्या कहते हैं, वर्मीकल्चर। तो रेशम के कीड़ों का एग्जाम्पल दिया, उसको क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर, इसको क्या बोलते हैं, वर्मीकल्चर, वर्मीकल्चर। तो अब ये जो लाख, अच्छा आपको यकीन मानिए, मैं भी जो थोड़े दिन पहले तक, जब मैं आज से 4-5 साल तक पहले, मैं भी ये सोचती थी लाख की मिट्टी होती है कोई, जो चीज़ें गिरती हैं और तुरंत टूट जाती हैं। कड़े वड़े देखे होंगे आपने बहुत जगह मिलते हैं लाख के, और पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा, गिरती टूट जाती है वो, या उसको ज़्यादा वो करो तो टूट जाती है, मिट्टी जैसे ही होता है। तो खैर, ये कीड़ों से प्राप्त किया जाता है और वर्मीकल्चर कहते हैं, और इसी को अभी छत्तीसगढ़ ने कृषि का दर्जा दे दिया है। तो लाख को कृषि का दर्जा किसने दिया है, छत्तीसगढ़ ने। अब छत्तीसगढ़ की एक बहुत फेमस योजना थी पढ़ई तुहार द्वार स्टूडेंट्स के लिए, पढ़ई तुहार द्वार योजना। एक किसानों के लिए शुरू हुई थी राजीव गांधी किसान न्याय योजना, कौन सी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। और लिक्वर की फर्स्ट होम डिलीवरी करने वाला स्टेट कौन सा बना, छत्तीसगढ़। अच्छा, सी घाट ऐप आया था छत्तीसगढ़ का, वो क्या, आवश्यक चीज़ों की होम डिलीवरी, एसेंशियल गुड्स होम डिलीवरी के लिए था, ज़रूरी चीज़ों की होम डिलीवरी के लिए था, क्या, कौन सा, सी घाट ऐप, ये छत्तीसगढ़ का है, सी घाट ऐप याद रखना है आपको। तो ये अब छत्तीसगढ़ का एक गुरु घासीदास एक नेशनल पार्क है, और भी है, इंद्रावती भी है मेरे ख्याल, चलिए अभी फ़िलहाल गुरु घासीदास याद रखिए, बाकी और मैंने काफ़ी बताए हैं नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो आप जाके देख सकते हैं मेरे नेशनल पार्क वाले वीडियोज़ में। ओके, चलें आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है वो रायपुर है, एक नया रायपुर भी है जिसको हम अटल नगर के नाम से अब जानते हैं, कि उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है, नए रायपुर का अटल नगर, और कैपिटल तो रायपुर ही है। भूपेश बघेल ये चीफ मिनिस्टर हैं, और साथ ही अनुसुईया उइके, तो ये गवर्नर हैं छत्तीसगढ़ की। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना किस राज्य ने शुरू की है, हाल ही में अभी किस राज्य ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की है, हाल ही में किस स्टेट ने चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लॉन्च की है, कौन सी, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, कौन सी, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ये लॉन्च की है किस स्टेट ने, तो ये की है उत्तराखंड ने। अब देखिए जी, ये जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आई है ये किसके लिए है, तो ये प्रवासियों के लिए है, जो प्रवासी मजदूर, प्रवासी लोग जो दूसरे राज्यों में काम करने गए थे लेकिन कोरोना वायरस के कारण वो अपने घरों पर वापस लौटे हैं जैसे तैसे, तो अब क्या है, लॉकडाउन क्योंकि लगा उसके बाद घरों पे लोग लौटे, तो अब प्रवासी लोग आए हैं तो उनको रोज़गार के अवसर और रोज़गार के इंतज़ाम भी तो उनके लिए करने हैं, तो उत्तराखंड के जो प्रवासी हैं उनको रोज़गार मिल सके, इसीलिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड राज्य सरकार ने शुरू की है। और अभी उत्तराखंड राज्य सरकार का एक और पोर्टल आया था, मैंने आपको बताया था होप, कौन सा, होप, तो हेल्पिंग आउट, हाँ क्या था ये, मैंने आपको उसकी फुल फॉर्म भी बताई थी, आपको याद होगा मैंने ज़रूर बताया था, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, तो ये भी मैंने आपको बताया था। तो होप पोर्टल भी रोज़गार के लिए है, लेकिन वो सबके लिए है, सबको रोज़गार मिलेगा, ये मध्य प्रदेश की योजना थी, लेकिन होप पोर्टल सबको रोज़गार के अवसर और सबको रोज़गार प्रदान करने के लिए था, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर।
तो ये होप पोर्टल सबके लिए था, तमाम लोगों के लिए। और ये जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, ये उत्तराखंड के प्रवासी लोगों के लिए है। उत्तराखंड का एक कोरोना वायरस के लिए इसकी पर नज़र रखने के लिए, इसके पेशेंट्स पर एक शुरू हुआ था, कौन सा दृष्टि ऐप और पोर्टल, कौन सा दृष्टि, ठीक है। उत्तराखंड का हैली नेशनल पार्क, कल आपको बताया था मुज्तबा हुसैन के बारे में, जो इनका 1936 में कहा था कि इनकी पैदाइश थी, तो 1936 में हैली नेशनल पार्क भी बना था। और जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उसका नाम जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, तो ये बहुत फेमस है उत्तराखंड में ही है। वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी भी चमोली में है, लेकिन आप इतना याद रखिए कि उत्तराखंड में चमोली, बस इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं, उत्तराखंड याद रखिए। उत्तराखंड की बात करें, क्या है ये, देहरादून कैपिटल, क्या कैपिटल है, देहरादून। बेबी रानी मौर्य गवर्नर हैं, और बेबी रानी मौर्य के बाद चीफ मिनिस्टर की बात कर लें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है। वैसे यहाँ पे बहुत है, नंदा देवी, राजा जी नेशनल पार्क, और अभी जिम कॉर्बेट तो मैंने आपको बताया ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी FSDC की 22वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है, हाल ही में FSDC की 22वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है, तो हमारी प्रेजेंट टाइम की फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, इन्होंने ही अध्यक्षता की है FSDC की 22nd मीटिंग की। कौन सी 22वीं बैठक हुई FSDC की, और FSDC की 22वीं बैठक की अध्यक्षता की है हमारी वर्तमान समय की कौन, निर्मला सीतारमन, हमारे वर्तमान समय की वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमन ने, ठीक है, FSDC की बैठक की, 22वीं बैठक है ये। अब ये है क्या FSDC, तो देखिए एक होता है, कल बताया था मैंने आपको, एक होता है FCC, क्या होता है, फाइनेंशियल FSC होता है, फाइनेंशियल सर्विस कंपनी, या FCC होता है, फाइनेंशियल कंपनी कॉरपोरेशन, FCC का मतलब होता है फाइनेंशियल सर्विस कॉरपोरेशन, ये है FSDC, तो ये क्या है, ये है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। कोरोना वायरस के चलते, ये कोरोना वायरस के भी इस संक्रमण में भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें स्थिरता रखी जा सके, ऐसे प्रयास करने के लिए ये 22वीं बैठक अपनी, मतलब 22वीं बैठक का आयोजन किया अभी FSDC ने, और इसी की अध्यक्षता हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने की है, ठीक है। चले आगे चलते, क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य ने अभी कोरोना वायरस के कारण अपने खेल भवानी मेले को स्थगित किया है, हाल ही में किस राज्य ने अपने यहाँ होने वाले खेल भवानी मेले को कोरोना वायरस के कारण स्थगित किया है, यानी पोस्टपोन किया है, तो जम्मू एंड कश्मीर ने। जम्मू एवं कश्मीर में 30 मई को होना था खेल भवानी मेला, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसे पोस्टपोन कर दिया गया है, किसको, कोरोना वायरस के कारण इसको पोस्टपोन कर दिया गया है, कौन सा है, खेल भवानी मेला, ठीक है, तो 30 मई को होना था लेकिन अब नहीं हो रहा है कोरोना वायरस के चलते। अच्छा, एक है दछीगम नेशनल पार्क, एक है किश्तवाड़, और दो नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर में, याद रखिए, और एक है वूलर झील, जो भारत की सबसे बड़ी ताज़े पानी फ्रेश वाटर लेक है, कौन सी, वूलर झील, ये भी याद रखेंगे। जम्मू एंड कश्मीर अब स्टेट नहीं है, यूटी है, ये याद रखिए, दो यूटी में अलग किया गया था, एक जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख, और पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू, तो आपको ये याद रखना है। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ क्यूसील को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है मेरी, क्यूसील को अपने बेहतरीन और निश्चित लाभ के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर ज़रूर हिट कर लीजिएगा, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको टू द टाइम मिल जाए, सबसे पहले वीडियो देख सकें और आपको नोटिफिकेशन मिले, तो इसीलिए बेल आइकन को भी हिट कर लें। और वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है आपने,
जिससे कि आपको पूरा फ़ायदा हो और लास्ट तक वॉच करेंगे तो बेहद फ़ायदा, कितना आपकी लिसनिंग पावर, आपका करंट अफेयर और आपको कितना लर्निंग प्रोसेस और आपकी कंपिटेटिव एग्ज़ाम का कितना करंट अफेयर मटेरियल प्रिपेयर हो रहा है, इसके आप फ़ायदे खुद देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह का पूर्व राज्यसभा सांसद वीरेंद्र सिंह का निधन हो गया। हाल ही में किस राज्यसभा के पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह का अभी निधन हो गया? तो ये केरल के पूर्व राज्यसभा सांसद थे, कौन? केरल के वीरेंद्र सिंह, और इनकी अभी डेथ हो गई। केरला, केरल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके इनिशिएटिव्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, बताइए कौन सी पहल है जो मैं आपको बार बार बताती हूँ, जो रैपिड स्क्रीनिंग के लिए शुरू की गई है कोरोना वायरस की? तो तिरंगा पहल, आपको बताया था मैंने कई बार। कॉल फ्रॉम मोहित सर, स्वाइप अप विद टू फिंगर्स टू आंसर, रिप्लाई, डिक्लाइन, आंसर बटन। तो दोस्तों ये आप देखिए, केरला की बात चल रही है, केरला ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए। अभी जो अभी पूर्व सांसद के बारे में बताया आपको, ये राज्यसभा सांसद थे, इनका एक डेथ हो गई। केरला में एक तिरंगा पहल के बारे में, तिरंगा पहल है ये, जिसका मैंने क्वेश्चन पूछा था, कल एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी रैपिड स्क्रीनिंग के लिए कोरोना वायरस के कारण एक पहल शुरू हुई थी, तो तिरंगा पहल। उस एक गाड़ी है, उसके ऊपर तिरंगा बना होगा, उस पर दो माइक्रोफोन और कैमरे वगैरह लगे होंगे जिससे लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रैपिड स्क्रीनिंग होगी। केरल में ही आयुरक्षा क्लिनिक शुरू हुए, आयुरक्षा क्लिनिक लोगों की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए। केरल में ही ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू हुआ, केरल में ही, और ये कोरोना वायरस के कारण एक शुरू किया गया था ब्रेक द चेन कार्टून अभियान, एक केरल में शुरू किया गया। ये एक और इनिशिएटिव है, हाँ, एक कोरोना वायरस के जो पेशेंट हैं, जो मरीज़ थे, रोगी कोरोना वायरस के, उनकी सेवा के लिए कर्मी वोट नाम का एक रोबोट लॉन्च किया गया था, कर्मी वोट। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स रहे केरला के। केरला में है वैली ऑफ साइलेंट, शांत घाटी, और अभी फूलों की घाटी भी बताई आपको उत्तराखंड में। केरला के गवर्नर कौन? राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन, तिरुवनंतपुरम कैपिटल है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं केरला के, इनको याद रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी रोजगार सेतु योजना किस राज्य ने शुरू की है? हाल ही में किस राज्य ने एक नई योजना रोजगार सेतु लॉन्च की है? हाल ही में किस स्टेट ने एक नई योजना रोजगार सेतु लॉन्च की है? तो अपने राज्य के श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु अभी शुरू की है मध्य प्रदेश ने रोजगार सेतु, याद रखिएगा, आरोग्य सेतु वाला सेतु याद रखिए। आरोग्य सेतु क्या है? केंद्र सरकार का एक ऐप है कोरोना वायरस के आइडेंटिफिकेशन के लिए, है ना, तो लोगों की ट्रैकिंग भी होगी और ये वेरीफाई होगा कि वो कोरोना वायरस के पेशेंट हैं या नहीं। और सेतु वहाँ से याद रखें, और रोजगार सेतु तो अपने राज्य के श्रमिकों के लिए, श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए, श्रमिकों के हित के लिए शुरू की मध्य प्रदेश ने रोजगार सेतु योजना। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की 3 योजनाएं आई हैं लगातार। सबसे पहले ही सबको रोजगार मिलेगा योजना, जिसमें क्या था कि मनरेगा कार्ड्स, जॉब कार्ड्स इसमें डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे और इसमें जो है लोगों को रोजगार मिलेगा, सबको रोजगार मिलेगा। एक आई थी अभी इसके बाद श्रम सिद्धि योजना, इसमें क्या था, एक मिनट, सबको रोजगार मिलेगा योजना में मनरेगा का जॉब कार्ड जिन पे होंगे उनको भी, जिनको नहीं होंगे उनको भी रोजगार मिलेगा। एक आई थी श्रम सिद्धि योजना, तो इसमें क्या था, ये श्रम सिद्धि योजना में जॉब कार्ड इसमें भी होना चाहिए, पर इसमें यह है कि अगर जॉब कार्ड है तो आपके बेनिफिट है, नहीं है तो भी कुछ ना कुछ पंचायत करेगी, ठीक, याद रखना है आपको। लेकिन मनरेगा के जॉब कार्ड बन रहे हैं तो सबको रोजगार मिलेगा। में पहले सब ये बात आई थी कि मनरेगा का जॉब कार्ड होना चाहिए, फिर ये बात आई कि मनरेगा का जॉब कार्ड होगा तो भी मिल जाएगा रोजगार और नहीं होगा तो भी, लेकिन पहले होना चाहिए। ले और
मनरेगा का जॉब कार्ड किसके लिए और कंपलसरी किया गया, श्रम सिद्धि योजना, ये ग्राम पंचायतों में जो लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए पंचायतों को 2 लाख रुपए इसके जो अच्छा काम करेगी पंचायतों को दिया जाएगा, तो ये श्रम सिद्धि योजना थी, है ना। अभी तीसरी कौन सी आई है, तीसरी योजना आई है ये रोजगार सेतु। इसमें जॉब कार्ड की, मनरेगा की जॉब कार्ड की कोई कंडीशन नहीं बताई गई है, इसमें कोई कंडीशन नहीं बताई है, तो आपको ये समझना है, ठीक है, कि जॉब कार्ड होगा तो बेहतर, नहीं होगा तो भी कुछ ना कुछ उनके लिए गवर्नमेंट करेगी इन दोनों योजनाओं के तहत, और तीसरी जो रोजगार सेतु योजना श्रमिकों के लिए, इन तीनों योजनाओं के तहत लोगों को रोजगार प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने अभी FIR आपके द्वार शुरू की है एक योजना। इसके अलावा पुलिस कर्मियों के लिए करमवीर पुरस्कार, पुलिस कर्मियों को सम्मान देने के लिए करमवीर पुरस्कार भी शुरू, मतलब देन वितरण करने की घोषणा की। और मध्य प्रदेश राज्य सरकार में तानसेन महोत्सव, मिर्च महोत्सव ये भी मनाए गए। अच्छा, मध्य प्रदेश के जब मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान, तो इन्होंने एक सबसे पहले एक योजना शुरू की जिसका पुनः निर्माण हुआ, रीस्टार्ट किया उसको। कौन सी? मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना। कुछ जो योजनाएं थी वो महिलाओं के लिए भी आई, जैसे कि एक था दीदी वाहन योजना, ये झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में। एक आई जीवन शक्ति योजना, महिलाएं मास्क बनाएंगी और 11 रुपीज पर मास्क गवर्नमेंट को बेचेंगी, ये भी। और एक शुरू हुई अभी सब लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए, पहले देखिए कौन सी, संकल्प योजना उमरिया डिस्ट्रिक्ट में। एक तमाम लोगों के लिए आई जीवन अमृत योजना, जो त्रिकुट चूर्ण का के 50-50 पैकेट का आयुष मंत्रालय। कॉल फ्रॉम सानी चपटाक, स्वाइप अप विद टू फिंगर्स टू आंसर, स्वाइप डाउन विद टू फिंगर्स टू डिक्लाइन, रिप्लाई, रिप्लाई, डिक्लाइन बटन, डबल रिप्लाई, डिक्लाइन बटन, सानी चपटाक, स्वाइप अप विद टू फिंगर्स टू आंसर, स्वाइप डाउन विद टू फिंगर्स टू डिक्लाइन, ऑडियो लैब, स्टार्ट रिकॉर्डिंग बटन, 9001 स्टार्ट। तो ध्यान से सुनिए, तो अभी क्या है इसमें कि महिलाओं तमाम लोगों के लिए कौन से, जीवन अमृत योजना, ठीक है, याद रखना है आपको जीवन अमृत, त्रिकूट चूर्ण डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। अच्छा, और मध्य प्रदेश के बहुत सारे, मैंने आपको रेडियो स्कूल एक स्टूडेंट्स के लिए, टॉप पेरेंट ऐप स्टूडेंट्स के लिए, तो ये तमाम इनिशिएटिव्स एमपी के और ऐप याद रखिए, ठीक। एक नेशनल पार्क देख लीजिए ज़रा, नेशनल पार्क कौन कौन से, माधव बांधवगढ़ पेंच पन्ना सतपुड़ा फॉसिल्स वन विहार संजय और कान्हा, ये नेशनल पार्क हैं, जिसमें से संजय गांधी महाराष्ट्र में, संजय मध्य प्रदेश में, और ये पेंच जो है ये दोनों राज्यों में फैला हुआ है, महाराष्ट्र और एमपी में, तो ये आपको याद रखना है, ठीक। अब बात ये देखनी है कि एमपी के चीफ मिनिस्टर कौन है, शिवराज सिंह चौहान, अभी आपको बताया, लालजी टंडन गवर्नर हैं और भोपाल इसकी कैपिटल है। चलिए कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन, देखिए, हाल ही में किस एयरलाइन कंपनी इंडिगो के अध्यक्ष वी आर सुमंतर अपॉइंट किए गए हैं। तो अभी और ये एयरलाइन इंडिगो है, इंडिगो एयरलाइंस के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं, कौन है ये, वेंकट रमनीश सुमंतर
ये इंडिगो के अभी प्रेसिडेंट बने हैं, वेंकट रमनीश सुमंतर, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ब्रिक्स के टैक्स प्रमुखों की बैठक की मेज़बानी किसने की है? हाल ही में ब्रिक्स के टैक्स प्रमुखों की एक बैठक हुई है, इसकी मेज़बानी किसने की है? तो ब्रिक्स के टैक्स प्रमुखों यानी ब्रिक्स के प्रमुखों की एक टैक्स या ब्रिक्स के टैक्स प्रधा ब्रिक्स के प्रमुखों के टैक्स प्राधिकारियों की एक बैठक हुई है। ऐसे याद रखिए, ब्रिक्स प्रमुखों के टैक्स प्राधिकारियों की बैठक हुई है, इसकी मेज़बानी कौन किसने की है? तो ब्रिक्स प्रमुखों यानी जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनके प्रमुख उनके चीफ की टैक्स प्राधिकारियों की बैठक हुई है। अब इसकी मेज़बानी की है किसने? रशिया ने। रूस ने एक मेज़बानी की है ब्रिक्स चीफ की टैक्स रिलेटेड मीटिंग की, यानी टैक्स प्राधिकारियों की जो बैठक हुई है ब्रिक्स प्रमुखों की, इसकी मेज़बानी किसने की है? रशिया ने। तो ये आपको याद रखना है। ये फेडरल टैक्स सर्विस ऑफ रशिया ने इसमें सहयोग किया है। किसकी तरफ से आयोजन हुआ है? फेडरल टैक्स सर्विस ऑफ रशिया। तो अभी ब्रिक्स प्रमुखों के टैक्स प्राधिकारियों की एक बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो कहाँ मतलब मेज़बानी किसने की है इसकी? आयोजन छोड़िए, मेज़बानी किसने की है? रूस ने, रशिया ने। अब ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है? BRICS, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है, ब्रिक्स। अब ये जो ब्रिक्स है, ये ब्रिक था BRIC, ये ब्रिक था, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना था। अब 2006 में इसकी स्थापना हुई थी, 2010 में इसमें अफ्रीका जुड़ा, साउथ अफ्रीका, तो ये बन गया ब्रिक्स। और इसी की चीफ टैक्स प्राधिकारियों की बैठक की मेज़बानी रूस ने की है। रूस की बात है, रूस ने मेज़बानी की है। रशिया की पार्लियामेंट क्या है? ड्यूमा। क्या है? ड्यूमा। और दुनिया का सबसे ठंडा स्थान कहाँ है? रशिया में। कहाँ? रूस में है। बर्खोयास्क, कौन सा है? बर्खोयास्क। रशिया की करेंसी रूबल और कैपिटल क्या है? मॉस्को। व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गाँवों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 300 करोड़ के पैकेज की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने गाँव में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 300 करोड़ के हेल्प पैकेज की घोषणा की है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने, जो उनके यहाँ गाँवों में प्रवासी ज़्यादातर लौटकर कहाँ हैं? गाँव में, उनको रोज़गार मिल सके, सबको रोज़गार मिले, इसी हित और उद्देश्य से प्रवासियों के रोज़गार हित और इस उद्देश्य के प्रवासी सभी प्रवासियों को रोज़गार मिले 300 करोड़ के हेल्प पैकेज को शुरू करने की घोषणा की है तमिलनाडु राज्य सरकार ने। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एडापड्डी के पलानी स्वामी बनवारी लाल पुरोहित, ये गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। कैपिटल चेन्नई है। और बस अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एक ध्यान से सुनिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में अभी एक नया मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ कहाँ बनाया गया है? हाल ही में किस राज्य में नया मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ बनाया गया है? तो एक नया मिसाइल पार्क बना है अग्निप्रस्थ, कहाँ? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में ये बना है। आंध्र प्रदेश में जो नेवल बेस है एरिस्कलिंग, वहीं पे ये बना है। कौन सा मिसाइल पार्क है? अग्निप्रस्थ। तो एक नया ये मिसाइल पार्क है अग्निप्रस्थ, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम में बनाया गया, एरिस्कलिंग के वहाँ पास, ठीक है। तो एरिस्कलिंग में बनाया गया है, याद रखना है। कहाँ? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। अब ये जो आंध्र प्रदेश है, ये भाषा के आधार पर भारत का पहला गठित होने वाला राज्य है, ये आपको हमेशा बताया मैंने। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में दो ऐप आए थे, एक आया था निगाह कोरोना वायरस के पर नज़र रखने के लिए, कोरोना वायरस के पेशेंट्स पर नज़र रखने के लिए, कौन सा? निगाह ऐप। और एक आया था कोविड फार्मा,
जो लोग मन मर्जी की मेडिसिन लाते हैं, सर्दी खांसी या फीवर कुछ हुआ, थोड़ा सा मेडिकल स्टोर से मेडिसिन खरीदी और खा ली, तो ऐसे लोगों पर नज़र रखने के लिए कौन सा था, कोविड फार्मा। ये दो ऐप आए थे आंध्र प्रदेश के, आंध्र प्रदेश का श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क बहुत फेमस है। अच्छा, आंध्र प्रदेश की कुछ योजना इंपॉर्टेंट है, जैसे मोबाइल हैंड वॉश स्टेशन। मोबाइल हैंड वॉश स्टेशन श्रमिकों को हाथ धोने की फैसिलिटी प्रॉपर तरीके से अवेलेबल हो सके और ये प्रॉपरली हाथ को अपने हाइजीनिक कर सकें, हैंड वॉश कर सकें, तो इसीलिए इनको मोबाइल हैंड वॉश सुविधा या सर्विस स्टेशन, मोबाइल हैंड वॉश सर्विस स्टेशन एस्टैब्लिश किए थे आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। आंध्र प्रदेश सरकार में एक आया था नवरनालू पेदलांद्री की योजना, नवरनालू पेदलांद्री की योजना। ये क्या था, ये गरीबों को एक रुपए में ज़मीन उपलब्ध करवाएगी आंध्र प्रदेश राज्य सरकार घर बनाने के लिए, लेकिन वो सिर्फ घर बना सकते हैं, ज़मीन को बेच नहीं सकते, तो वो ज़मीन गरीबों को घर बनाने के लिए इस योजना के तहत उपलब्ध करवाई जाएगी। आंध्र प्रदेश में एक हुई थी शुरू जगन्नाथ विद्या दिविना योजना, जगन्नाथ विद्या दिविना योजना ये भी अभी शुरू हुई थी। इसमें क्या था, ये सब करंट है, तो इसमें क्या था कि स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं और जो अपनी फ़ीस सबमिट कर चुके हैं उनकी फ़ीस को रिफ़ंड करेगी आंध्र प्रदेश राज्य सरकार, ठीक है, उनके अकाउंट में उनको रिटर्न करेगी, रिफ़ंड करेगी। तो ये थी जगन्नाथ विद्या दिविना योजना फ़ीस को वापस करने के लिए। आंध्र प्रदेश की बात करें, अमरावती कैपिटल है और चीफ मिनिस्टर कौन है, जगन मोहन रेड्डी, विश्वभूषण हरिचंद्रन ये गवर्नर हैं। तो ये था आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मिसाइल पार्क का, इसी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी SAI के अध्यक्ष का कार्यकाल 2 साल बढ़ा दिया गया है, इनका नाम क्या है। हाल ही में SAI के अध्यक्ष का कार्यकाल अभी 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है संदीप प्रधान। संदीप प्रधान बने हैं स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, बने थे क्या, बने हैं और अभी भी रहेंगे 2 साल और, यानी जो जो अध्यक्ष थे संदीप प्रधान, क्या फुल फॉर्म है इसकी, SAI की स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष अभी हैं करंट में कौन, संदीप प्रधान, और यही 2 साल और रहने वाले हैं, अभी इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। अच्छा, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी IMF ने 732 मिलियन डॉलर का ऋण देने की घोषणा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किस देश को की है। हाल ही में IMF ने 732 मिलियन डॉलर का ऋण देने की सहायता ऋण देने की घोषणा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किस देश को की है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किस देश को IMF ने 732 मिलियन डॉलर के सहायता ऋण देने की घोषणा की है, यानी जो 732 मिलियन डॉलर का सहायता ऋण है वो देने की घोषणा की है, तो ये बांग्लादेश को भाई 732 मिलियन डॉलर का एक लोन दे रहेगा, ये हेल्प लोन है। कौन, IMF, किसके लिए, COVID-19 से लड़ने उभरने के लिए, पूरी तरह लड़ने और उभरने के लिए। तो ये बांग्लादेश की बात है, बांग्लादेश ने जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया कोरोना वायरस के लिए आर्टिफिशियल, ये कोविड-19 मैनेजमेंट के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया बांग्लादेश ने, और ऐसा करने वाला ये बना पहला देश, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो क्या है, ढाका, करेंसी क्या है, टका, ठीक है। और बांग्लादेश के चीफ मिनिस्टर कौन है, वो सॉरी प्राइम मिनिस्टर कौन है बांग्लादेश की, शेख हसीना। और अब्दुल्ला हामिद कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, तो ये आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने चिकित्सकों के वेतन को बढ़ाने की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिकित्सकों के वेतन को बढ़ाने की घोषणा कर दी है, तो अभी ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने घोषणा की है कि जो आदिवासी क्षेत्रों में
चिकित्सक तैनात हैं, तो उन आदिवासी क्षेत्रों में उन जो चिकित्सक मतलब ड्यूटी कर रहे हैं अपने डॉक्टर्स, चिकित्सक बोले तो डॉक्टर्स जो ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनकी सैलरी को बढ़ाया जाएगा। ऐसी घोषणा किसकी है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट की। जो भी जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, उन ट्राइबल एरियाज़ में क्या जो ड्यूटी कर रहे हैं डॉक्टर्स आदिवासी क्षेत्रों में, उन तमाम की जैसे 70,000 या मान लीजिए किसी की 60,000 सैलरी है, तो वो कितनी हो जाएगी? 60 है तो हाँ ठीक है, 75, 70 है तो 85, इसी हिसाब से मतलब 15 से 16, 17 मतलब लगभग उनकी सैलरी 15,000 से 20,000 रुपये बढ़ा दी जाएगी। कुल मिला के 15,000 से 20,000 वेतन बढ़ा दिया जाएगा जो आदिवासी क्षेत्रों में डॉक्टर्स और जो विशेषज्ञ ड्यूटी कर रहे हैं, जो चिकित्सक ड्यूटी कर रहे हैं। महाराष्ट्र मुक्त स्वास्थ्य बीमा यानी फ्री हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाला अपने सिटीजन्स को पहला स्टेट बना है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र की एक बुक आई है महाराष्ट्र हिस्ट्री पे, कौन सी? शिवाजी इन साउथ ब्लॉक अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राइड पीपल। इसमें महाराष्ट्र की जो है हिस्ट्री के ऊपर ये बुक है। संजय गांधी नेशनल पार्क अभी बताया था, संजय मध्य प्रदेश में, संजय गांधी महाराष्ट्र में, गुगुमल ये भी महाराष्ट्र में, नवेगांव ये भी महाराष्ट्र में, सब जानते हैं मुंबई कैपिटल है। अभी तो उद्धव ठाकरे हैं है ना चीफ मिनिस्टर, और अब चीफ मिनिस्टर की बात नहीं करते, चलिए अभी गवर्नर की बात करेंगे। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। और नए को चीफ मिनिस्टर आएंगे तब बताया जाएगा, अभी तो उद्धव ठाकरे हैं, ठीक। और बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। कंप्यूटर का वीडियो, कुछ लाइट के इश्यूज़, कुछ परेशानियाँ चल रही थी जिसकी वजह से कल ना भेजा जा सका, लेकिन डेफिनेटली आई विल सेंड यू ऑल कंप्यूटर लेटेस्ट वीडियो टुडे टिल टू नाइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।